गुड नून डियर स्टूडेंट्स ऑफ पीएससी पार्ट थर्ड। आज हम जूलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं एम्फियोक्सस, और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा था हर्डमानिया। और हर्डमानिया से जो नेक्स्ट एनिमल हमारा है एम्फियोक्सस। और ये जो एम्फियोक्सस है, इसे ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। और सर्वप्रथम हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एम्फियोक्सिस जो है हर्डमानिया की तरह ही आता है फाइलम कॉर्डेटा में, और ग्रुप है इसका एक्रेनिएटा, सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डी एंड जीनस है एम्फियोक्सिस। और इसका जो हैबिट एंड हैबिटेट है, जैसा हम देख रहे हैं, स्वभाव एवं आवास, कहाँ ये रहता है, क्या इसका स्वभाव है, तो पहले देखते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट ये है, मराइन एनिमल है जो समुद्री जल में रहता है। और समुद्री जल में भी ये छिछले पानी में, यानी शैलो वाटर, जो पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, उस पानी में ये रहता है। और अधिकतर ये जो समुद्र है उसके किनारे पे ही ये रहता है, सैंडी कोस्ट में ये पाया जाता है, जो उसका किनारा है, जहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ यह मिलता है। और ये जो एम्फियोक्सिस है, ये मिट्टी में धंसा रहता है, यानी ये बिल बना के रहता है। और धंसा हुआ मीन्स इसका जो अधिकतर जो शरीर का भाग है वो मिट्टी में धंसा रहता है, केवल इसका जो सिर है, जो इसका एंटीरियर पार्ट है, वो इसका बाहर निकला रहता है, जैसा हम इसमें देख रहे हैं डायग्राम में। एंटीरियर पार्ट हम देखें तो ये इसका जो एंटीरियर पार्ट है, ये रेत की मिट्टी से बाहर निकला रहता है, और इसका जो अधिकतर भाग है वो मिट्टी में ही धंसा रहता है। एक अपन डायग्राम और देखते हैं इसका, इसमें हमें क्लियर दिख पा रहा है कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ये मिट्टी में धंसा हुआ है, और जो इसका एंटीरियर पार्ट है ये सारा इसका मिट्टी से बाहर निकला हुआ है। ये नीचे का पार्ट है जो मिट्टी में धंसा हुआ है, और जो इसका एंटीरियर पार्ट है ये हम देख पा रहे हैं, ये मिट्टी से बाहर निकला रहता है। तो इस तरह से ये समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। और इसका जो एंटीरियर भाग होता है उस पर हम देख पा रहे हैं सिराई, जिन्हें हम ओरल सिराई कहते हैं। और ये जो एनिमल है एम्फियोक्सस, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग जंतु पाए जाते हैं, और इनके द्वारा रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमीट्स हैं वो वाटर में छोड़ दिए जाते हैं, जहां उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद में जो उसका डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और अगर किसी एनिमल में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इट मीन्स कि उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनके यंग वंस का, उनकी ऑफ स्प्रिंग का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, मीन्स उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। फिर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं कि एनिमल कैसा दिखता है। इस एनिमल की जो साइज़ है वो लगभग 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर इसकी साइज़ होती है, और इसका जो शेप है वो दोनों ओर से ये पॉइंटेड होता है, इसका शार्प नुकीला इसका एंड होता है दोनों ओर से, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर। तो इसका नाम भी क्या है, लेंसलेट, और लेंसलेट का मतलब होता है छोटा भाला, ये छोटे भाले के आकार का होता है, इसलिए इसको हम लेंसलेट कहते हैं। और इसमें जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसमें 3 जो हैं फिन प्रेजेंट होते हैं, फिन जो इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इसको हेल्प करते हैं। जो फिन्स हैं वो हैं डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, और ये हैं कॉडल फिन। और ये जो फिन हैं वो अनपेयर्ड फिन्स हैं, मींस इनके पेयर का, इनका जोड़ा दूसरा नहीं पाया जाता, बल्कि ये सिंगल सिंगल होते हैं। डॉर्सल फिन सिंगल होता है, कॉडल फिन और एज वेल एज जो वेंट्रल फिन है वो तीनों सिंगल होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अनपेयर्ड फिन्स। फिर है जो एंटीरियर एंड पर जो ओपनिंग है
उसे हम कहते हैं ओरल हुड। और ये जो ओरल हुड है इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं ओरल सिराई। ये है ओरल हुड और ओरल हुड पर प्रेजेंट होती हैं ओरल सिराई। ओरल सिराई या फिर इनको हम टेंटिकल्स भी कह सकते हैं। और ये जो ओरल हुड है ये मुख गुहिका या ओरल कैविटी को ये घेरा रहता है। मींस अगर हम इसके वेंट्रल साइड से देखेंगे तो अभी यहाँ तो इस डायग्राम में हमें दिखाई नहीं दे रहा है ओरल कैविटी, लेकिन ये जो ओरल हुड है वो चारों ओर से ओरल कैविटी को घेरे रहता है। और उस ओरल कैविटी को हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। और ये जो सारी स्ट्रक्चर हैं वो हम जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें ये अच्छे से समझ आएंगे और उसका एक तरह से पूरा हमें फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा कि जो भोजन है वो कहाँ से एंटर होके कहाँ आगे एंटर करता है और कैसे वो इजेक्ट, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो कैसे इजेक्ट होता है, तब हमें सारे स्ट्रक्चर इसके समझ में आएंगे। तो ये जो ओरल हुड है ये ओपन आगे जाकर ओपन होता है वेस्टिब्यूल ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी आगे जाकर के वीलम में खुलती है, जिसे हम जो वीलम है उस पर प्रेजेंट होते हैं 12 टेंटिकल्स, जिन्हें हम वीलर टेंटिकल्स भी कहते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें हम क्लियर देख पा रहे हैं, ये है इसका एंटीरियर एंड, ये है एंटीरियर एंड, और ये हैं इसके हमने अभी बात की वीलम की। तो ये जो वीलम होता है ये बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है और उस पर होते हैं वीलर टेंटिकल्स, जो एक तरह से सेंसिटिव ऑर्गन का काम करते हैं। और दूसरा ये जो वीलर टेंटिकल्स हैं वो एक छलनी का भी काम करते हैं कि जब भोजन आएगा तो उसको ये छानने का, उसको फिल्टर करने का काम ये करते हैं। और ये जो वीलम होता है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है एक छिद्र जिसे हम कहते हैं एंटेरोस्टोम, उसे हम कहते हैं। इसी एंटेरोस्टोम के द्वारा जो भोजन है वो आगे प्रोपेल होता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये जो डायग्राम है इसी में हम देख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं इसके मेटाप्ल्यूर। ये जो मेटाप्ल्यूर हैं ये जो इसकी वेंट्रल सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मेटाप्ल्यूर हैं वो इसको अपना बिल बनाने में हेल्प करते हैं। जैसा हमने अभी बात की जो एम्फियोक्सिस है वो मिट्टी में बिल बना के या फिर मिट्टी में धंस के ये रहता है, तो ये मिट्टी में बिल बनाने में मदद करते हैं। और ये जो इसके मायोटॉम्स हैं ये जो ये हैं मायोटॉम्स, ये वी शेप का स्ट्रक्चर ये होते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और ये हम देख रहे हैं इसकी नोटोकॉर्ड, और जो नोटोकॉर्ड है वो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट होती है। और ये जो मेटाप्ल्यूर हैं वो ओरल हुड से लेकर के, जैसा डायग्राम में देख रहे हैं हम ओरल हुड से लेकर के एट्रियोपोर तक ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये जो मेटाप्ल्यूर हैं वो हेल्प करते हैं बरोइंग, जो इसके मायोटॉम्स हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और डायग्राम में हमें ये गोनेट्स भी दिख रहे हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो इसकी बॉडी वॉल होती है, स्किन होती है। तो जो इसकी स्किन होती है एम्फियोक्सिस की वो सॉफ्ट होती है, थिन होती है, और जो इसकी आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस से बनी होती है। ये है डायग्राम, तो इसमें हम देख रहे हैं आउटर लेयर है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की जो ऊपर वाली लेयर है वो क्यूटिकल के द्वारा सराउंडेड रहती है। और इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है, मींस एक ही लेयर होती है उसमें। और जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं वो कॉलमनर सेल्स होती हैं। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एपिडर्मिस या फिर जो एपिथीलियम होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे वो कॉलमनर सेल्स भी हो सकती हैं, स्क्वैमस एपिथीलियम भी हो सकती हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम भी हो सकती है। तो ये कॉलमनर सेल्स होती हैं और सिंगल लेयर होती है, जैसा हमें डायग्राम से भी
समझ में आ रहा है। और इस एपिडर्मिस में बहुत सारी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और एपिडर्मिस के जो नीचे वाली लेयर होती है ये क्यूटिस होती है, और इस क्यूटिस के नीचे ये सब क्यूटिस प्रेजेंट होती है, और इस सब क्यूटिस में मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती हैं और नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इस सब क्यूटिस के जो नीचे वाली लेयर है वो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम थोड़ी सी स्केलेटन की बात कर लेते हैं। तो जो एम्फियोक्सिस का स्केलेटन है वो उसमें एक्सोस्केलेटन तो एब्सेंट होता है, केवल एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और जो मेन एंडोस्केलेटन है वो नोटोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड होती है या फिर जिसे हम कॉर्डा डोर्सलिस भी कहते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये नोटोकॉर्ड है, और ये जो नोटोकॉर्ड है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट होती है, और ये जो नोटोकॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होती है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसा कि सभी कॉर्डेट्स में ये ऐसा ही अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। और जो नोटोकॉर्ड है वो कनेक्टिव टिश्यू से के द्वारा घिरी रहती है, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं नोटोकॉर्डल शीथ, उसे हम कहते हैं। तो ऐसा इसका स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आज के लिए ये काफ़ी है, और आप इसको अच्छे से पढ़ करके इसको लर्न करें।